उदयपुर में कुछ दिनों पूर्व कांग्रेसी पार्षदों और उप महापौर के बीच हुई बहस और गाली गलौज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को कांग्रेसी पार्षदों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मांग की कि उप महापौर पारस सिंघवी और उनके निगम कर्मचारियों के उनके खिलाफ राज कार्य में बाधा का जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है उसे वापस ले। इस मौके पर कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि कुछ दिनों पूर्व महिला पार्षद बतूल अभी किसी पट्टे के काम को लेकर निगम कार्यालय गए थी। इस दौरान निगम के अधिकारियों ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, अधिकारी उप महापौर को बुला दिया, पार्षद के साथ बदसुलूकी करने लगे और गाली गलौज भी कर डाली। साथ राजकार्य में झूठा मुकदमा दर्ज कर इस मामले में जब सभी कांग्रेसी पार्षदों का कहना है उन्होंने इस मामले की जानकारी पर उनके आला कमान और प्रभारी मंत्री को दी है। 20 तारीख को 1 बजे के करीब हमारे सबसे बुजुर्ग पार्षद है सवरत पार्षद में बतूल अभिजी ने फ़ोन किया कि भाई हमारी कुछ पट्टे की फाइलें हैं वो नगर परिषद उसमें मिल नहीं रही है, 1.5-2-4-2-3 महीने हो गए हैं। तो हम सब जने गए थे वहाँ पे, उस कमरे का जो इंचार्ज है वो राजेश जैन करके था, वो राजेश जैन वहाँ नज़र नहीं आया। हम सब ने पूछा कि राजेश जी कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वहाँ पे एक महिला भी काम कर रही थी, तो उस महिला ने आते ही कहा कमरे से बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा भाई हम पार्षद हैं, कि पार्षद होते हैं बहुत होते हैं, बाहर निकलो। फिर भी हमारे जो हमारे मदन जी और हम सब साथ थे, हम बाहर निकल गए। उस महिला ने पीछे से उप महापौर को फ़ोन किया, 5 मिनट के अंदर उपमहापौर गाली देते हुए 10-20 जनों को लेके कमिश्नर साहब को लेके ऊपर आया, और जिस ढंग से हमारे बुजुर्ग जो महिला पार्षद हमारे साथ थी उनको माँ बहन की गालियाँ दी, और जो महिला कर्मचारी थी जो अधिकारी थी उसको कहा जा राजकार्य में वादा का मुकदमा कर दे। जब हम जनप्रतिनिधि हैं, कानून में लिखा हुआ है कि हम हमारा काम कराने के लिए हर अधिकारी और हर कमरे में जा सकते हैं। दूसरा, जिस ढंग से उपमहापौर हमारे पार्षदों पे आरोप लगा रहा है, मैं आपको एक एक चीज़ का उत्तर दे देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले हमारे पार्षद गिरीश भारती पे लगाया कि हम इंदिरा रसोई पे 50,000 रुपये महीने के खा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, अगर वो सच्चा हो, ईमानदार हरिश्चंद वही है। हमारा उस इंदिरा रसोई का बिल ही 25,000 से 30,000 महीने का बन रहा है, 50,000 कैसे खा रहा समझावे वो। दूसरा, मेरे को कहा है कि भू माफिया और चोर हूँ। वो भू माफिया के मेरे मकान की रजिस्ट्री के अलावा हमारे मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों के नाम से और बता देवे, मैं मान लूँ, नहीं तो तेरे तुम्हारी बताता हूँ तुमने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं। तुमने ये 272 प्लॉट में तुम जब से ये स्कैंडल खुला है तुम सब एक एक प्लॉट वालों को बुला के पैसे खाने की रणनीति रच रहे हो, इसलिए तुम हमारा विरोध कर रहे हो। तीसरा, हमारे जो उदयपुर का समाज सेवी पार्षद है सरदार कप्पू, उसको सरदार सरदार करके गाली दी और माँ बहन की गालियाँ दी। उस सरदार के लिए कहता है कि अतिक्रमणीय है। मैं आपको आज इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वो सच्चा हो 1 इंच जगह बता दे वो पार्षद इस्तीफा देगा। झूठे आरोप लगाने बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ बता दूँ, हम उसके बाद थाने में गए थे, थाने में हमारे जो महिला पार्षद साहब है उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जिन जिन के खिलाफ गाली गलौज की उन्होंने मीडिया के माध्यम से लगाया, वहाँ का हमारे पास एक वीडियो भी है। जिस ढंग से कर्मचारियों पर दबाव डाल के कांग्रेसी पार्षदों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। हम सभी पार्षदगण नगर परिषद गए और हमने जनता जनादर की जो मांग थी उस मांग को लेके गए, कोई पर्सनल हमारा काम नहीं था। और जनता काफ़ी परेशान लोग थे और मैंने अपने पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा साहब की काफ़ी लंबे समय से फाइल पड़ी थी, तो मैंने कहा कि मैडम मुझे फाइल दीजिए, सुना अनसुना के वापस मैंने रिपीट की वर्ड। उसके बाद वो कहते बाहर निकल जाओ, हम बाहर निकल गए, बाहर आए, अभी सभी मेरे पार्षद साथ में थे, ये बाहर जाके पारस सिंघवी जी को और आयुक्त साहब को बुला लाई, और पारस सिंघवी साहब ने आके हमें माँ बहनों की क्या गाली बोली। मैं एक महिला होने के कारण मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, एक महिला पे लाचन लग जाता है, इसीलिए मुझे बड़ी शर्मनाक बात है कि इस पर गौर निंदा की जाए। और हमें सभी पार्षद हो, हमारे पार्टी का हो, किसी का भी आदर्श हो, जनता जनादर का काम इजी गोइंग में होना चाहिए। मैं इसी उम्मीदों के साथ आप प्रेस वाले से भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन बातों को आगे वजन दें और हमारे पहुँचावें।